हजारीबाग स्टेशन में आए हुए, तो आप लोग के लिए ब्लॉग शूट करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे स्टेशन का। तो ये मेरे दोस्त दिनेश गुरु और जो अभी शूट कर रहा है वो मेरा दोस्त सुमित है। तो अभी हम लोग जो है यहाँ अंदर जाने वाले हैं, थोड़ा नज़ारा दिखाओ सुमित का। हजारीबाग स्टेशन हम लोग आ चुके हैं, तो अभी यहाँ का जो है ब्लॉग आप लोग को जो है पूरा फुल मतलब दिखाने वाले हैं पूरा डिटेल से। तो आप लोग एंड तक बने रहिए और वीडियो को जो है थोड़ा लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अपने तरीके से वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये हजारीबाग स्टेशन और ये हमारे दोस्त लोग, तो ये बाहर का नज़ारा है मतलब स्टेशन का बाहर में बना हुआ, तो यहाँ से आप लोग को वीडियो लेके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अंदर चलते हैं, अंदर में आप लोग को जो है वीडियो दिखा रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा हजारीबाग स्टेशन का। तो आप लोग चारों तरफ जैसा कि देख पा रहे हैं अभी ये काफ़ी बड़ा अभी मतलब स्टेशन बन गया है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे विजिट कीजिए। चलिए तो हम लोग अंदर जा रहे हैं और आप लोग को अंदर का भी नज़ारा आप लोग को दिखा रहे हैं। और बता देना चाहते हैं कि ये स्टेशन जो है 2015 में ही बनकर रेडी हो गया है और यहाँ पर जो है ट्रेन का परिचालन जो है स्टार्ट भी हो चुका है। तो चलिए गाइस फाइनली जो है हम लोग जहाँ पर टिकट मिलता है वहाँ पर ले चलते हैं आप लोग को, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं टिकट घर, तो यहाँ से आप लोग जाके जो है टिकट भी ले सकते हैं और यहाँ से जो है रिजर्वेशन भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ट्रेन का टाइम टेबल और किराया जो भी है यहाँ डिटेल पे साइट पे लिखा हुआ है, तो वो भी आप लोग को दिखाएंगे। इससे पहले आपको एक बार प्लेटफॉर्म का चारों तरफ का व्यू दिखा दे रहे हैं। गाइस तो चलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हजारीबाग स्टेशन का समय सारणी जो कि कोडरमा बरकाना पैसेंजर है वो 9:40 मतलब सुबह पे आती है कोडरमा बरकाना पैसेंजर, ये फिर 3:30 बजे जो है आती है ये भी। तो यहाँ पे मुख्यतः तीन ट्रेनें जो हैं वो मुख्य है, दो पैसेंजर और एक रांची पटना एक्सप्रेस, ठीक है। तो इसका जो है आप लोग को ईस्ट सेंट्रल रेलवे इसका जो है किराया वो भी आप लोग एक बार देख लीजिए, चाहे तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ का क्या प्राइस है क्या मतलब भाड़ा है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग आप लोग को सीधे आप लोग को ले चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो अब वीडियो पे आप लोग एंड तक बने रहिए। तो गाइस चलिए आप लोग को अब ले चलते हैं स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग को ऐसा दिखाई दे रहा होगा ये रहा हजारीबाग स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ, ठीक है, और इधर से जो है एक मालगाड़ी आ रही है और ये जो है बरकाना साइड से आ रही है हजारीबाग स्टेशन की ओर। तो बेहद ही खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को प्लेटफॉर्म यहाँ पे बता दें कि दो प्लेटफॉर्म हैं और जिसमें से यहाँ पे तीन रेलवे ट्रैक हैं। तो यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छा यहाँ पर सजाया गया है, अभी यहाँ पर बैठने का भी सुविधा कर दिया गया है, यहाँ पर एक छोटा मोटा कैंटीन भी खोला गया है, एक क्या दो तीन ही है बट अभी यहाँ पर बंद है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे जो है इस साइड से अगर दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए ओवरब्रिज का सुविधा दिया गया है। तो गाइस यहाँ के मुख्य ट्रेनें जो है वो कोडरमा टू हजारीबाग है, हजारीबाग टू कोडरमा और एक पटना एक्सप्रेस है, जिसके लिए ये यहाँ पे मतलब आवागमन अभी डेली अप डाउन हो रही है। तो अभी जो प्लेटफॉर्म आप लोग को दिखाई दे रहा है ये है हजारीबाग टू बरकाना, ठीक है, रेलवे लाइन। तो ये जो है पैसेंजर थी हजारीबाग टू बरकाना वाला पैसेंजर। तो गाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो वीडियो को जो है यहीं पे एंड करेंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है गाइज। तो चलिए ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।